कयाचर्या लोकमाचरे इत्याह। जड़वत लोकमाचरित का इन जड़वत का तात्पर्य क्या? लकड़ी जैसे थोड़े पड़ा रहे, ऐसा अर्थ तो नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा, कैसे आचरण के द्वारा इस व्यक्ति को लोकमाचरित व्यवहार करना चाहिए इत्याह, उसके लिए ही यह आरंभ होता है। क्योंकि परापर देव यह सुधीर पूर्वक प्रमाण प्रणाम से श्राद्धादि क्रिया से कर्तव्यतया प्रतिबंधात कथम विदुषो जड़दाचरण तत्राह। कि चाहे परदेवता चाहे अपरदेवता, उनकी स्तुति पूर्वक प्रणाम आदि करना चाहिए, पितरों को श्राद्ध आदि करना चाहिए। अनेकों कर्तव्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, यह प्रतिबंधक है, इनके रहते हुए एक विद्वान कैसे जड़दाचरण कर सकता है? इस प्रश्न के जवाब में यह आरंभ होता है। निस्तुतिर निर्नमस्कार निस्वधाकार एवच चलाचल निकेतश्च यादृच्छिको भवेत। निस्तुति ही, किसी देवता आदि की स्तुति करने की कोई जरूरत नहीं। निर्नमस्कार, किसी देवता आदि का नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। पितरादियों को स्वधा कहते हुए तर्पण आदि देने की कोई जरूरत नहीं है। वह विद्वान ये सब कार्य नहीं करता, ये सब कर्मों से बंधा हुआ नहीं रहेगा। चला चल निकेतश्च, चल मने शरीर और अचल मने आत्मतत्व में ही विश्राम लेना चाहिए। उसका शरीर ही उसके लिए घर है, मकान है, और आत्मा उसका अपना आत्मतत्व जो है वही उसके लिए विश्राम स्थान है। मकान के अंदर एक बेडरूम होता है, वैसे इसका बेडरूम हृदय है और शरीर ही मकान है। बस हृदय में ही आत्म तत्व में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यादृच्छिको यतिहि भवे तथा यदृच्छा लाभ संतुष्ट यति को होना चाहिए, ऐसा ही विद्वान हुआ करता है। क्योंकि जीवित रहते हुए यह शरीर को कहीं ना कहीं तो रहना चाहिए, तो कहाँ रहेगा? वह आश्रय पूछे जाने पर जवाब दिया, वह आश्रय जड़ सादृशी होना चाहिए कुछ न कुछ। उसके लिए कहा कि चलम अचलं च चला चले ते निकेतो यस्य मन आश्रयो यस स, वही आश्रय जिसका। तो फिर कौपीन आच्छादन असन पान आदि देह स्थिति का प्रयोजक की अपेक्षा से प्रवृत्ति तो जरूर होगी, तो कहते वो भी नहीं होगा। न विषय जड़ तुल्यता, इसे विद्वान के जड़ तुल्यता नहीं आ पाएगा यदि आशंका करता है। कहते नहीं नहीं वह भी आकांक्षा पूर्वक संकल्प पूर्वक अपेक्षा पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होगी, तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट होगा। वर्णाश्रम अभिमान वान पुरुष जिस प्रकार से तत्कर्मों में विद्यमान रहता है वैसे ये नहीं रहता। संन्यास आश्रम का अभिमान करने वाले को भी नियम लागू हो जाते हैं। ये उस अजातवाद को अनुभव किया महान जो परम से पर अवधूत सन्यासी की बात कर रहे हैं, साधारण सन्यासी की बात। ये तो अवधूत है जिसकी स्थिति वो है, जैसे जनक भी था, ये देखने तो गृहस्थ आश्रम में था, ये स्थिति हमेशा ब्राह्मण स्थिति थी। देखने बड़ा राजमहल में रहता था, बड़ा राज ठाट बाट से रहता था, दासियां थी, कईयों को देख के भ्रांति हो जाती, ये क्या ब्रह्मज्ञानी लोग बोलते हैं, जनक 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 कैसा ब्रह्मज्ञानी है ये, औरतों को लेके बैठा हुआ है, कौन उसकी स्थिति को जाने? शिवजी का स्थिति कौन समझ सकता है? शिवजी के श्लोक में ही आया ना, गौरी स्तनालिंगनाथ, गौरी को जांघ में बैठा के एक हाथ के स्तनों पर हाथ लगा करके आलिंगन करके बैठे हुए हैं, और फिर कैसे है वो स्वात्मा राम तया हिता हित सम स्वस्थो हर पातु वह भीतीर्ण भुजंग पुंग विषात प्रीतीर्ण गंगा जलात नाशौचं गले रुंडमाल लुलनात न शौचं गंगा जलात। चंद्रामृत से उनको प्रीति नहीं है, विषंग भुंग व विष से भय नहीं, गले में रुंड माल से अशुचित्व का बोध नहीं है, गंगा जल के प्रवाह से शुचित्व का बोध भी नहीं है। नोद्वेग स्थिति भस्म नो न सुखम गौरी स्तना लिंगनाथ, चिता का भस्म चढ़ा दिया लोगों ने
उसे उद्वेग नहीं होता है, मुझे पवित्र कर दिया लोगों ने करके। आपका शव यात्रा में जाने से अपवित्रता महसूस होता और नहाते हैं आप, और वहां तो चिता का भस्म ही का ही स्नान करा दिया, पूरा शरीर विलेप कर दिया है। नोद्वेग न च सुखम गौरी स्तना लिंगनात्। कारण क्या है? स्वात्मा रामतया हिता हित सम। अब नहीं है आत्मा राम होने के नाते हित रहित सब कुछ सम है। स्वस्थो हर पातो सदा सुसर्व स्थित रहने वाले वैसा हर हम सब के जो है दोषों को दुखों को दूर कर देवे, ऐसे प्रार्थना में सुस्पष्ट कहा है। इसे बाह्य व्यवहारों को देखने से पता कुछ नहीं चलता। बाह्य व्यवहार तो यदृच्छा लाभ से हो रहा है, रोटी मिल गई खा लिया, कपड़ा पहन लिया जैसा मिल गया वैसे पहन लिया, कभी सिल्की पहन लेता है कभी साधारण कभी फटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए परमहंसस्य परिव्राज्यं प्रतिपत्तुम अशक्यम्। इसलिए परमहंस हमेशा परिव्रजन नहीं करेगा यह भी आप नहीं कह सकते, अप्रामाणिक तत्, क्योंकि इसे कोई प्रमाण नहीं है। अवश्यम भावी नहीं कोई किसी प्रार्थना का निर्णय थोड़ा कोई कर सकता है। जब ब्रह्मज्ञानी हो जाए उसके प्रार्थ हमेशा परिव्राजक की रहेगा, घूमते फिरते ही रहेगा, कोई आश्रम में नहीं बैठेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें श्रुति स्मृति सिद्ध है, बातों को वर्णन करने के लिए आगे कहेंगे। भाषा स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जित त्यक्त सर्व बाह्य क्षण प्रतिपन्न पारमहंस पारिव्राज्य इति प्राय। सिद्धांत उसके जवाब में कहता है ऐसा नहीं भाई, यद्यपि स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म से रहित है क्योंकि उसने सकल बाह्येष्टाओं को त्याग चुका है। बाह्येष्टा क्या है? पुत्रेष्टा वित्तेष्टा लोकेष्टा, उससे भी पुत्र और वित्त साधन कोटि में ले लो, एष्टा दो ही है, साधनेष्टा और साध्येष्टा, इन दोनों को त्याग चुका है। इसलिए उसको स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म को वह त्याग देता है। अतएव प्रतिपन्न पारमहंस पारिव्राज्य वह प्राप्त है, उसको परमहंस परिव्राज का स्वस्वरूपता स्वभाव व आचरण में है उसका इतिप्राय। एतम वैतम मातानं विदित्वा इसे प्रदायण को प्रसन्न में इत्यादि श्रुत है, श्रुति कह रही है 3-5-1। इस आत्मा को जान करके वित्तान हेतुत्व अथ वित्थाय भिक्षाचर्य चरंती ऐसा मंत्र आया वहां। अब उसने सारा वर्णाश्रम धर्म को छोड़ करके भिक्षा आचरण में लग जाता है, और भिक्षाचरण से तात्पर्य यादृच्छिक लाभ पर जीवन यापन करने लगता है। जीवन यापन के लिए कोई प्रयास नहीं करता। इस विषय में गीता भी कहती है 5वां अध्याय 17वां श्लोक में कहा है, तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठा सत्परायणा इत्यादि स्मृतेश्च तस्मिन्नेव परस्मिन् वस्तुनि वह परमाभ्रम परमात्म वस्तु में ही विषयांतरों से व्यावृत अग्र बुद्धि है जिनका, तद्बुद्धया और वही तदात्मान तदेव परम वस्तु आत्मा निरुपचरित स्वरूपम येषा वही है परम वस्तु आत्मा निरुपचरित सर्वोपाधि रहित स्वरूप जिनका उनका तदात्मान तन्निष्ठा तस्मिन्नेव परस्मिन् आत्मनि निष्ठा येषा निश्चयेन स्थिति येषा। निष्ठा का मतलब निश्चयेन स्थिति है जिनका, आत्मा में ही है निश्चय पूर्विका स्थिति जिनका, उनको तत्निष्ठा तत्परायण वही है परम अयन आश्रय जिनका, उन्हें कदे परम अयनम परागति येषाम आत्मतम वह आत्मा ही है परम वस्तु मने परम अयन का मतलब परागति, वही उनका लक्ष्य मोक्ष स्वरूप है ऐसा निश्चय है जिनका, उनको कदे तत्परायण। इस प्रकार से गीता स्मृति भी कह रही है, चलम शरीरम प्रतिक्षणम अन्यथा भावात्। चलन से क्या लेना है? चलते फिरते वाले सबको नहीं, शरीर से मतलब यहाँ पर है, क्योंकि प्रतिक्षण अन्यता भावात प्रतिक्षण भी प्रणाम को प्राप्त हो रहा है, प्रणाम और अपक्षय की ओर जा रहा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणते अपक्षीयते एतादृश परिणामशाली होने के नाते प्रतिक्षण अन्यता अन्यथा भाव को प्राप्त हो जाने कारण से शरीर को ही चल शब्द से लिया है। अचलम आत्मतत्व और अचल क्या है? आत्मतत्व, अर्थात शरीर ही उसके मुख्य रूपेण मकान मानता है वो, और बाह्य मकानों को मकान नहीं मानता। इसे चाहता सो जाता है, जहां मौका जैसा प्रावधान सारे अवसर जैसा बनता है वैसे पड़ जाता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर ही आत्मा है, शरीर ही
आश्रय और आत्मा ही आश्रय, ये कह रहे। यदा कदाचित भोजनादिवहार निमित्तम आकाशवद अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनो निकेतम आश्रय आत्मस्थिति विस्मृत्य अहमिति मन्यते यदा तदा चलो देहो निकेतो यस स्वयं एवं चला चल निकेता। इसकी दो अवस्थाएं होती है, कभी वह आकाश तो पर व्यापक से ब्रह्म स्वरूप स्थित है तो आत्मा में स्थित है वो, और कभी प्रारंभ कर्म से क्या हो जाता है उस आत्मस्वरूप स्थिति से हट करके थोड़ी सी विस्मृति सा हुआ और मैं ऐसे शरीर में आ जाता है तो शरीर में स्थित हो गया। कदाचित भोजनादि व्यवहार निमित्त, भोजनादि व्यवहार का निमित्त निमित्त खड़ा हो गया, खाने का समय आ गया, व्यवहार करने के लिए निमित्त खड़ा है, प्रारंभ कर्म अंदर से उसको प्रेरणा देता है बस चलो भोजन करो। एक महात्मा है वो ऐसे तो कभी आलस होकर लेट हो जाए, अरे अपने नाम को लेकर बोलते अरे उठो, कब तक ऐसे लेटा रहेगा, ऐसा अपने को बोलता है, अपने ही नाम बोलता है, तो मर गया बेचारा बूढ़े से नारायणानंद करके थे, हे नारायणानंद कब तक सोते रहेगा, 4 बज गया उठो उठो नर्मदा जी का स्नान करना है तेरे को अभी, ऐसे बोलते थे उठ जाते थे। आलस को भगाने के लिए अपनी अपनी तरीका होती है, महात्माओं के अपने अपने उपाय, डांट देते हो कई बार, अब कभी बार होता था भंडारा हो गया बढ़िया आश्रम में ओंकारेश्वर में तो खा लेते थे, नींद आ जाती थी, अब हम पाठ का टाइम हो तो बोलते भाई पाठ का टाइम हो गया चलिए चलिए, हे नारायण फिर लगता है ज्यादा पकौड़ी खा लिया तुमने बदमा सो रहा बट चल पाठ का टाइम हो गया, ऐसा अपने आप को बोलते थे, उठ के खड़े हो जाते थे मुंह धो के अपने आप भागे भागे आते थे पाठ में, ऐसे ऐसे संतों को देखा बड़े अच्छे संत। तो भोजन आदि व्यवहार का निमित्त सामने आ गया तो क्या होता है तब, आकाश अचल रूपम आत्मतत्वम आत्मनिकेतम आश्रयम आत्मस्थितिम विस्मृत्य, तब आकाश के समान जो अचल रूप है अपना आत्मतत्व है उस आत्मरूपी निकेत मैंने आश्रय को आत्मस्थिति को विस्मृत्य, कुछ क्षणों के लिए विस्मृति हो जाती है और अहम इति मन्यते यदा, जब ऐसा मानता है निमित्त के कारण से मैं करके आ गया तदा, तब क्या करेगा चलो देहो निकेतो यस्य, ये जो चल है ये जो चलाया मान घूमता फिरते जो शरीर है ये शरीर उसके लिए निकेत हो जाता है आश्रय है जिसका स्वयं, ऐसा जो व्यक्ति अवस्था भेद से प्राय कर्मवशात व्यवहार में आ गया तो चल निकेत हो गया उसका, नहीं तो समाधि वशात अचल निकेत हो गया सहज समाधि, तो सहज समाधि की वजह से अचल निकेत है और प्राग वश से चल निकेत वाला होता है, ऐसे जो ज्ञानी है उसको कहते चला चल निकेतो विद्वान न पुनर्बाह्य विषय आश्रय, इसलिए वह कभी भी लेकिन बाह्य विषयों विषयों को आश्रय करता ही नहीं, बाह्य किसी विषय को वह अपना आश्रय मानता ही नहीं, ये स्थिति वाला सच यादृच्छिक भवेत, ऐसा जो व्यक्ति है वह यादृच्छिक होता है, कुछ क्षणों के लिए सह समाधि को त्याग करके प्रार्थना वशात विस्मृत्य अहंकार ममकार वशो यदा विद्वान अवतिष्ठत है, अहंकार ममकार के वश में जब टिकता है तब उस चल शरीर में वही वह आश्रित रहता है, तब भी वह शरीर से बाहर बहिर्मुख नहीं होता, अधिक से अधिक वो आता है शरीर में फिर वापस स्वरूप में, लेकिन शरीर से भी बाहर निकल करके विषयों में जुड़ जाए विषयाश्रित हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, स्वभावतस्तु अचलम आत्मस्वरूपम एव निकेतम चल पुनः शरीरम उपदर्शित विस्मरण द्वारेण, यह अंतर समझना, चल निकेत वाला कब होता है वह प्रारंभ कर्म के अधीन होकर के विस्मरण द्वारा तात्कालिक है स्वाभाविक नहीं है, और स्वाभाविक ही क्या है वो आत्मनिकेत, सभी ही वास्तव में आत्मनिकेत होते हैं, इन अज्ञान वशात सभी स्वभावत क्या हो गए हैं शरीर आदि बाह्य निकेत हो चुके हैं और आत्मनिकेत को भूल ही गए हैं परमानेंट हमेशा के लिए भूल गए हैं लगता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है, अंतर है, यदृच्छा प्राप्त कौपिना आच्छादन ग्रास मात्र देह स्थिति इत्यर्थ, यदृच्छा से प्राप्त कौपिना आच्छादन ग्रास मात्र आदि से ही देह की स्थिति करने लग के यह व्यवस्था को स्वीकार कर लेने वाला ऐसा यह महान विद्वान होता है।
इसलिए विद्वान को व्यावर्तन करने के लिए यहां कह दिया न पुनर्बाह्य विषय आश्रय, बाह्य विषयों का आश्रय कभी करता नहीं, मैंने उस अपनी इंद्रियों को शरीर में आते आने के बाद भी इंद्रियों को इतनी नियंत्रण में रखा हुआ है, या उसके प्रारक्रम ही ऐसा है कि इंद्रिया इतने नियंत्रण में है अनेक जन्मों का अभ्यास की वजह से वे इंद्रिया का विषयासक्त विषयाश्रित नहीं होते। अहमेव परम ब्रह्म नमत्वन्यदस्ति किंचित् ये स्मृति संतिति कारणम अपि न काल विशेषणीयता, इसलिए उसको यह भी कोई जरूरी नहीं है वह कब तक ये चिंतन करना पड़ेगा। आ सत्य राम तेरे काल में जो कहा जाता है किसके लिए, मंद मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी जो एक बार अवसर्षित हो गया उसके लिए वो भी लागू नहीं होता। मही परम ब्रह्म हो मुझसे अन्य वास्तव कुछ भी नहीं सब भ्रांति है, इस प्रकार से जो है स्मृति की संतति यथार्थ वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति की धारा करने के लिए कोई काल विशेष का नियमन नहीं होता, किंतु निरंतरण कर्तव्य जो व्यक्ति अभी अनुभूति नहीं किया है उसके लिए निरंतरण कर्तव्य है। आज इसकी अनुभूति हो गई और निरंतर स्थित है उसके लिए कर्तव्य कुछ नहीं रह जाता है। यह अंतर को दिखाने के लिए अगली कारिका आरंभ होती है और यही अंतिम कारिका है वैथत्य प्रकरण का। यह दूसरा प्रकरण है वैथत्य प्रकरणम, इसका अंतिम कारिका आरंभ हो रही है। तत्त्वम् आध्यात्मिकम् दृष्ट्वा तत्त्वम् दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्विभूतस्तद रामस् तत्वाद प्रच्युतो भवेत्। कहते तत्व ज्ञानी पुरुष इस आध्यात्मिक तत्व को देख कर, आध्यात्मिक अपने शरीर शरीर आदि कल्पित वस्तुओं को देख करके आध्यात्मिकम तत्व दृष्टवा, आध्यात्मिक शरीर आदि कल्पित है तत्व ने अधिष्ठान मात्र, इसके भी अधिष्ठान मात्र ब्रह्म को अनुभव करके शरीर का अधिष्ठान को देख करके तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः, और पृथ्वी आदि बाह्य तत्वों को भी समझ लिया अर्थात उन तत्वों का अधिष्ठान ब्रह्म ही है वह मैं हूं ऐसा उसने अनुभव कर लिया। दृष्टा ने अनुभूत्वा अनुभव करके तो क्या हो गया, तब तत्वीभूत ब्रह्मीभूत हो गया, ब्रह्मीभूत हो गया वो। तदा रामस तत्वभूत हो जाने से तत्व में ही रमण करने वाला है, तत्व माने वह तत्व ही है आरमण रमण करने वाले के योग्य विषय जिनका ऐसा व्यक्ति हो जाता है, माने आत्म तत्व में ही रमण करने वाला होकर तत्वाद अप्रच्युत भवे, कभी भी वह अपने स्वरूप आत्म तत्व से प्रच्युत नहीं होता। बाह्यम पृथ्वी आदि तत्व आध्यात्मिकम च देहादि लक्षण, भाष्यकार कहते हैं भाई से क्या लेना, पृथ्वी आदि सकल भूत पदार्थ भौतिक पदार्थ को ले लेना और आध्यात्मिक शब्द से देहादि रूपा सबको ले लो, रज्जु सर्पादि वत् स्वप्रम मायादि वच्च असत्। ये कैसे हैं, कहते रज्जु सर्पादि के समान और स्वप्न तो माया आदि के समान असत्य है, ऐसा उसका दृढ़ निर्णय हो जाता है। क्यों, क्योंकि इन सब का अधिष्ठान को उसने अनुभव कर लिया, पृथ्वी आदि तत्वंग अधिष्ठान को और शरीर आदि रूप जो कार्य भौतिक कार्य है इनके वास्तविक जो अधिष्ठान है वह ब्रह्म को उसने अनुभव कर लिया। इसलिए क्या देख रहा है अभी, इन पृथ्वी आदियों को रज्जु सर्प आदि के समान देखता है, शरीर आदियों को भी स्वप्न और स्वप्न जन जात मायामय ऐसा वह अनुभव कर रहा है, अतएव इन सबको असत्य मानता है मिथ्या मानता है। क्या प्रमाण है, व्याचार मन विकारुणाम अधिमित्य श्रुते है 6-4-1 छांदोग्य उपनिषद। व्याचार मन सब वाणी का आरंभ वाणी का विलास मात्र ये विकारों का नाम, ये जो विकार है ये नाम मात्र है वाणी का विलास मात्र है, वास्तव में इनका कोई न आकार है न इनका कोई सत्व सत्व है न सत्ता है अपने आप का। आत्मा च सब बाह्याभ्यंतर ही जो अपूर्व अनंत्र बाह्य कृष्ण आकाश सर्वगत सूक्ष्म चलो निर्गुणो निष्कलो निष्क्रिय। यह भी अनेक श्रुतियों के टुकड़े टुकड़े जोड़ करके दे दिया इन्होंने, आत्मा च सब बाह्याभ्यंतर, और आत्मा कैसा है बाह्याभ्यंतर वजह, भीतर बाहर सब तरफ से वह वास्तव में अजन्मा है क्योंकि अपूर्व कारण रहित है,
अनंतरो अबाह्य, ठीक उल्टा हो जाए, बाह्य और आभ्यंतर है, और अब बाह्य और आभ्यंतर रहित भी है, सबाह्य है साभ्यंतर है, बाह्य आभ्यंतर सर्वत्र वही है, और वास्तव में बाह्य आभ्यंतर सर्वत्र कहीं भी कुछ भी नहीं है, कि कारण रहित होने से अजन्मा है। तो आप बाहर अंदर सब जगह बोलेंगे कैसे आप, पहले कह दिया कार्य दृष्टिया कह दिया, इस कार्य के भीतर बाहर सर्वत्र वही आत्मा है, फिर कहता है लेकिन वास्तव में अजन्म होने के नाते कारण रहित होने के नाते वरना बाहर है न भीतर है, वह पूर्ण है कृष्ण आकाश के समान, निर्वय होने के नाते वह सर्वगत है, सूक्ष्म है अतएव अचल है, निर्गुण है निष्कल है निष्क्रिय है। ठीक है, दृश्य प्रतियोगिता दृष्ट आत्मा, दृश्य प्रतियोगी होने से तुल्य वाचारणत्व इत्याशंका है, तो कोई कह सकता है कि नहीं, इस दृश्य के दो भाग होता है ना, एक दृष्टा भी होता है दर्शन भी होता है, दर्शन रूपी क्रिया दो के अधीन है, दृष्टा और दृश्य, इसलिए दर्शन क्रिया को लेकर के जो दृश्य वो मिथ्या जैसा है, ऐसे उसी प्रकार दर्शन क्रिया को लेकर के जो दृष्टा है वो दृष्टा भी मिथ्या है, यदि ऐसा कोई कहे कि नहीं नहीं दृष्टो दृष्टि प्रलोप विद्यते, श्रुति कहती है नहीं भाई, दृष्टा का जो दृष्टि जो आत्मा है वास्तविक स्वरूप है उसका तो विप्रलोप नहीं होता, अतएव वह क्यों नहीं हो लोप होता, क्योंकि आकाश के समान सर्वव्यापक है, सूक्ष्म है पूर्ण है अचल है निर्गुण है निष्क्रिय निष्कल है, और वह और कोई नहीं हो ब्रह्म जो सर्व जगत अधिष्ठान, वह आप ही है, साफ साफ कर छांदोग्य 6-8 एक से लेकर अनेकों बार तत्सत्यम सत्तम से श्वेत गेतो, हे श्वेत गेतो तत्सत्यम, वह आत्मा ही सत्य है, वह ब्रह्म ही सत्य, सत्य ही सत्य है, वही आत्मा है वही तुम हो, इति श्रुत है छांदोग्य 6-8। इत्यं तत्त्वं दृष्ट्वा, इस प्रकार से तत्व को उस आत्म तत्व को ब्रह्म तत्व को अनुभव करके तत्त्वीभूत वह भी तत्व भाव को प्राप्त कर गया, ब्रह्मभूतो बोला है ना गीता, ब्रह्मभूत शब्द प्रयोग कर दिया, वह यहां तत्त्वीभूत शब्द प्रयोग कर रहे, तदा रामो न बाह्य रमणो, मैंने आत्मा ही है, आराम जिसका आरमण स्थान जिसका ऐसा हो गया वो, इसलिए वो बाह्य विषयों में रमण नहीं करता, बाह्य विषय में कौन रमण करता है जो आत्मा आराम नहीं है, विषय आराम है, विषय आराम ही बाहरी विषयों में घूमते रहेगा, टीवी देखते रहेगा, नहीं और क्या, क्योंकि आत्मा आराम नहीं है, जो आत्मा राम है तो अपने मस्ती में मस्त रहता है, कोई आ गया कुछ बोल दिया तो जवाब दे दिया बस, अपने मस्ती में मस्त, अपने से कोई चर्चा छेड़ेगा ही नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं करेगा, सब कार्यक्रमाधीन छोड़ता है, कि समस्या छोटे महाराज के सामने हम लोग देखते थे, किसे बोलते ही नहीं थे ना, चाहे कोई भी आ केवल शास्त्र समझ कोई पूछेगा तो बोलते थे, नहीं तो बोलते नहीं थे, कई लोगों को बड़ा बुरा लगता था, कैसे महाराज इतना दूर से आए इतना दुख लेके आए या बोल रहे हैं, कोई समाधान नहीं, कोई सांत्वना नहीं, कोई उपाय नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं, बहुत ही ज्यादा कई दिन वहां डट करके आश्रम में रोज 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 उनका पीछे पड़ जाता था, तब वो क्या करते थे, अंत में गीता पकड़ा लेते, गीता पाठ करो, और मत्था क्या मारे हो सोचे, अरे तो क्या, अरे कुछ बोलते कुछ जप करो पश्चाताप करो करो ये करो गीता पाठ करो बोल रहे, अब मना भी नहीं कर सकते थे, हमारा जिका रहे हैं चलो पाठ देते थे वो लोग बैठ करके जैसे तैसे, ये स्थिति बन जाती है तो वहां कठिनाई हो जाती, व्यवहार में नहीं रह सकता व्यक्ति, फिर या व्यवहार में है तो फिर सारी चीजें होती रहती समस्याएं, और उसको दृश्य रूप में आ गया सुनिचे सपा के कहेंगे, इसीलिए गीता को भी देंगे यहां अंत में, पंडिता समदर्शिणा, सभी में समदृष्टि करता है, इसे उसी प्रकार का व्यवहार भी करता है, इसे कह रहे हैं न बाह्य रमण यथा अतत्वदर्शी कश्चित चित्तम आतत्वेन प्रतिबन्ना, क्योंकि आतत्वदर्शी करता क्या है, चित्त को ही आत्मा मान लिया, इसे चित्त चलन मनु चलितम आत्मा न मन्य माना, चित्त के चलने पर उसका पीछे पीछे ये आत्मा भी चल पड़ता है ऐसे मानता है,
अतएव तत्चलितम देहाधिभूतम आत्मनम तत्से हट करके देहाधिभूत वस्तुओं को ही आत्मा मानकर कदाचित मन्यते, जो ऐसा मानता है कभी वह क्या है प्रच्युतो अहम आतत्वादिदानीमिति। तो इसलिए हम क्या मानता है भाई मैं तो इस आत्मतत्व से हट गया हूं इस समय, ऐसे कदाचित कश्चित अतत्वदर्शी मन्यते। इस प्रकार कभी कोई जो है इस जो अतत्वदर्शी है वो अपने आप को इस प्रकार से मानने लगता है। समाहित है तुम मन से, और जब मन समाहित हो जाए तो शास्त्रोपदेश आदि वशात, गुरु कृपा के वशात, ईश्वर कृपा के वशात, ये मन समाहित हो जाए तो कदाचित तो ऐसा हो जाते तो तत्भूतम प्रसन्नात्मान मन्यते, अपने आप मानता ओहो मैं अब अत्यंत प्रसन्न हो, मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हूँ आत्मवेत्ता, न अव्यवस्थितम आत्मदर्शनम, वह आत्मदर्शन अव्यवस्थित ऐसा न समझे, ऐसा मानता इदानीम अस्मि तत्त्वभूत हो तत्त्वभूत होकर के इस समय मैं अपने आत्म स्वरूप में प्रसन्न आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के प्रसन्न हूं, ऐसा वो कभी मानता है। कभी ऐसा कभी वैसा, ये कौन मान रहा है अतुदर्शी, अतत्वदर्शी जो है जब मन समाहित है तो अपने आप को प्रसन्न आदि मानता है, जो समाहित नहीं है अपने आप को प्रच्युत मानकर सुख दुखी आदि अनुभव करता है। न तथा आत्मविद भवेत, आत्मविद कभी ऐसा नहीं होता, आत्मन है एक रूपत्वा, क्योंकि जिस स्वरूप को प्राप्त कर चुका है वह अनेक रूप वाला नहीं है, वह एक रूप है, सर्वदा सदा प्रतिष्ठित है। प्रारकर्वशा शरीर में आ भी जाए यदृच्छा लावे न भिक्षा कौपिन आचार व्यवहार करते वक्त भी वह अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है। इसे ये नहीं सोचता है मैं बाहर आ गया हूं तो शरीर नहाना पड़ रहा है, लंगोटी पहन रहा हूं, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं, ये भाव ही उसके अंदर नहीं जगते, ये कोई अवस्था भेद नहीं है उसके लिए। सह समाधि अवस्था और प्रारब्धीन प्राप्ताधीन जो बाह्य व्यवहार अवस्था, ये दो अवस्थाएं उसके लिए वह अवस्था रूपेण है ही नहीं, दोनों उसके दृश्य मात्र होते हैं, क्योंकि आत्मा एक स्वरूप वाला है, स्वरूप प्रच्यवन असंभवाच, और अपने स्वरूप से कभी प्रच्यवन संभव ही नहीं है। स्वरूप से हटना, एक बार पहुंच गया तो वहां से हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। सदैव ब्रह्मास्मिति अप्रच्युत भवे, क्योंकि क्या निश्चय उसका, सदैव मैं ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय होने से वह अपने स्वरूप से प्रच्युत नहीं होता। तत्पात सदा अप्रच्युत आत्म तत्व दर्शन भवेदिप्राय, कहने का मतलब है तत्व से सदा ही अप्रच्युत होकर के आत्म तत्व का ही दर्शन करते रहने वाला है, यह इसका अभिप्राय है। केवल समदर्शी नहीं है, सदैव रूपदर्शी है, स्वरूपदर्शी है, ऐसा वह पंडित है, विद्वान है, ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त ब्रह्मभूत स्थित प्रज्ञ। इसमें गीता का उदाहरण दे रहे हैं समर्थन में, सुनी चैव शपाके च, पांचवा अध्याय 18वां श्लोक, समम सर्वेश भूतेशो इत्यादि स्मृत है। गीता 13वां अध्याय 27वां श्लोक, कुत्ते चांडाल में भी विद्वान समान दृष्टि वाले होते हैं, पंडिता समदर्शिनः, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम्, सभी भूतों में समान भाव से स्थित उस परमात्मा को देखता है। इत्यादि स्मृतियों में यह स्पष्ट कथन हुआ है। तत्त्वभूत से ब्राह्मी भूत, ऐसा अर्थ और टिप्पणकार स्पष्ट कर दिए हैं। इस प्रकार द्वितीय प्रकरण वैधत्य प्रकरण, तर्क प्रदान प्रकरण था, जो आगम प्रदान प्रकरण सिद्ध वस्तुओं को तर्क प्रदानता से सिद्ध कर दिया था, अनुमान आदि के द्वारा सिद्ध कर दिखा दिए, दृश्यत्वात् मिथ्यात् मिथ्यात्व सिद्धि, दृश्यत्वात् कल्पितत्वात्, है ना, अनियत काल देशवत्वात् इत्यादि अनेक हेतुओं के द्वारा दृष्टांत स्वप्न को पहले सिद्ध कर दिया, बाद में उसी को उन हेतुओं से दृष्टांत जो है जागर स्वप्न आदि घटा करके जगत में स्थापित कर दिया था। वही कह रहे हैं तर्कावष्टमेन द्वैत वैधत्य निरूपणम परिसमाप्य अद्वैतम आर्थिकम वितर्कत संभावयितुं प्रकरणांतरम प्रारिप्सुः उपास्य उपासक भेद दृष्टिं तावदपवदति। आनगिरी
तर्क के आश्रय लेकर के द्वैत के मिथ्यात्व का निरूपण कर दिया, और उस निरूपण करने के पश्चात अब अद्वैत जो अर्थता सिद्ध हो गया, जब वही द्वैत मिथ्या हो गया तो अर्थता सिद्ध हो चुका है, फिर भी उस अर्थता सिद्ध को भी हम तर्क से भी अद्वैत की सिद्धि की संभावना को मन में रखते हुए प्रकरणांतर जो अद्वैत सिद्धि प्रकरण है, अद्वैत का जो तीसरा प्रकरण है, वह तीसरा प्रकरण को आरंभ करने की इच्छा से पहले उपास्य उपासक भाव जो मान रहे हैं उसे खंडन करते हुए शुरू कर रहे हैं। पूर्व दोनों प्रकरण का संकेत कर रहे हैं। देखो भाष्यकार, ओंकार निर्णय उक्त प्रपंचोपशिव अद्वैत आत्म इति प्रतिज्ञा मात्रेण ज्ञाते द्वैतन विद्यते इति च। ओंकार के अर्थ निर्णय कर दिया, विधान विधेय का भेद करता हुआ अंत मंत्र में आया प्रपंचोपशिव अद्वैत आत्मा। ये सब शब्दों से उपनिषद मंत्रों में है ना, सातवीं बारहवीं वगैरह में कह दिया, और प्रतिज्ञा मात्र में कहा उन बातों को ज्ञाते द्वैतम में विद्यते कारिका, प्रथम प्रकरण का आगम प्रकरण का अठारहवीं कारिका है ये 18, उसमें स्पष्ट कह दिया एक बार वह द्वैत ज्ञात हो जाए द्वैत तो टिकता ही नहीं है, ऐसा द्वैत की मिथ्यात्व निश्चय कर चुके थे। इति च तत्र द्वैताभावस्तु, और वहां जो निश्चय हुआ आगम प्रकरण में जो निश्चय हुआ द्वैत के अभाव, उसी अभाव को वैधत्य प्रकरणेन सप्रमाय गंधर्व नगराय दृष्टांतेर दृश्यत्वादि अंतवत्वादि हेतु विस्तर्केण च प्रतिपादितः। उसी द्वैताभाव अर्थात द्वैत के मिथ्यात्व का वैधत्य प्रकरण के माध्यम से स्वप्न रूपी दृष्टांत, माया रूपी दृष्टांत, गंधर्व नगर इत्यादि दृष्टांतों के माध्यम से, और हेतु क्या दिया दृश्यत्वाद आदि, दृश्यत्वादि अनेक हेतु दिया, अंतवत्वादि और भी अन्य अन्य विभिन्न हेतुओं को दिखाया, इत्यादि हेतुओं के माध्यम से तर्क के द्वारा प्रतिपादन कर दिया गया है। अद्वैतम किम आगम मात्र प्रतिपत्तव्यम अवश्य तर्केणापि इत्यतः शक्य तर्केणापि ज्ञातुमिति। लेकिन अद्वैत क्या केवल आगम मात्र से सिद्ध होता है? आगम मात्र से ही प्रतिपत्तव्य जान योग्य है क्या? क्या तर्क से कोई इसे जान नहीं पाएगा, सिद्ध नहीं कर सकेगा? अवश्य तर्केणापि, या तर्क के द्वारा भी हो सकता है। इत्यतः शक्य तर्केण आप ज्ञातुम, हाँ भाई तर्क के द्वारा भी जानना संभव है। इन याद रखना है तर्क तात्पर्य कुतर्क नहीं, तर्क दाम माफ कुतर्क दाम पंचदश का साफ कहते हैं, और यहां भी कहेंगे आगमानुकूल तर्क, आगमिक तर्क शब्द प्रयोग करेंगे यहां। आंधगिरी अंतिम पंक्ति, स्वतंत्र का प्रवेश, स्वतंत्र तर्कों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप तस्मिन माने अद्वैत में, अद्वैत सिद्धि के लिए स्वतंत्र तर्कों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, किंतु आगमा आगमिक तर्कस्य सहकारितया संभावना हेतुत्वात्, आगमिक माने आगम अनुरोधी, आगम के अनुसरण चलने वाला ऐसा जो आगमानुकूल है जो उन तर्क, स्वतंत्र का मतलब क्या आगम अनुरोधी, आगम अनुकूल टिप्पण देखो सात, और आगमिक तर्क मतलब आगमानुकूल तर्क, श्रुति अनुकूल तर्क को यहां बताएंगे, उल्टा पलटा तर्कों को नहीं लेंगे बल्कि उन तर्कों को खंडन करेंगे। वह तर्क जो सहकारी तर्क है उन तर्कों के द्वारा हम यहां अद्वैत सिद्धि करने वाले हैं, इस प्रकरण में वह विचार आरंभ किया जा रहा है। ओम उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्ते रजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। उपासना आश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते। एक अज्ञानी क्या सोचता है कि मैं उपासक हूं और ब्रह्म मेरा उपास्य है, इस प्रकार मोक्ष के साधन रूप से उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कार्य ब्रह्म में रह जाता है। ब्रह्मणी जाते ब्रह्मणी धर्मो वर्तते, धर्म मने जीव, देह से धारणा धर्म जीव, दूसरी पंक्ति आनंदगिरी, देह का धारण करने से धर्म कह दिया किसको, जीव का नाम धर्म हो गया।
भूत संघात कारण जाते ब्रह्मणि, और जात ब्रह्म क्या कार्य ब्रह्म, कार्य ब्रह्म क्या इन भूत संघात के रूपेण शरीर रूपेण जो पैदा हुआ है तद अभिमानित निवृत्त, उसका अभिमान करते हुए यह जीव रहने लग जाता है। ब्रह्म ही जगत रूप में परिणत है और ब्रह्म दृष्टिया उपास्यमान ब्रह्म ही संपन्न हुआ है, अतएव अभिमान कर रहा है देह मात्र में अहम ममो, ऐसा अभिमान करता है वो। सब प्राग उत्पत्ति रजम सर्वमित्यम कालावच्छिन्नम वस्तु मन्यते, इसलिए क्या मान रहा है प्राग उत्पत्ति रजम, अरे कार्य ब्रह्म उत्पत्ति से पहले मैं भी अजिता, इसीलिए मैं पहले अजिता है ना, पैदा हो गया ये अज्ञान, मैं अब पैदा हो गया हूं, मैं अब उस अभिवरण ब्रह्म की उपासना करूंगा तो उपासना करते करते मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, तब दोबारा मैं अज बन जाऊंगा, अज था ज हो गया फिर अज हो जाऊंगा, ऐसा जो सोचता है वह उस ब्रह्म को जन्मने वाला ऐसा मानने से ही वो क्षुद्र बुद्धि है उसका, वो कृपण है कंजूस है, उस विशाल महान ब्रह्म को ऐसे जन्म आदि के चक्कर में वाला चक्कर वाला मान लेना ही कृपणता है क्षुद्रता है। इस प्रकार उत्पत्ति से पूर्व सब कुछ अजन्मा था, ब्रह्म रूप था, इसलिए मैं भी अजन्मा ही था और अब मैं उपासना करके ब्रह्म रूप को प्राप्त करूंगा, मरने के बाद मैं पुनः अजन्मा हो जाऊंगा, ऐसा जो मानता है तेन, इस मान्यता के कारण से उस व्यक्ति को असो उस पुरुष को हम क्या मानते कृपण तत्वदर्शी लो द्वारा उसे कहा जाता है कि ये जो आदमी है महादीन है मान क्षुद्र बुद्धि वाला है, उस अक्षुद्र ब्रह्म को क्षुद्र मानने से यह क्षुद्र ही है, अतएव शूद्र है, शोक में डुबा रहने से शोचना शूद्र है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी लोग स्मरण किए हुए श्रुति स्मृतियों में इसे स्मृता कह दिया, मैं कहता हूं नहीं श्रुति स्मृतियां कहती हैं, श्रुति में भी कहा कृपण शब्द आया है बृहदारण्यक में, गार्ग्य को समझाते हुए कहा वो आदमी कृपण है जो आदमी अपने आप को शरीर संघात से परिच्छिन्न मान बैठा है, उस आत्मा को या उस आत्मा का चिंतन नहीं करता है, उस आत्मा को अनुभव करना तो दूर की बात, उसके चिंतन तो करेगा हमसे रोज दो चार बार ही सही, ये सोचे मैं ब्रह्म हूं मैं शरीर नहीं हूं, इसे योग निद्रा में रोज करना पड़ेगा, रोज बोलो सवेरे दोपहर शाम योग निद्रा करते हुए मैं यह शरीर नहीं हूं मैं शरीर का दृष्टा हूं, मैं उस आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं जिस ब्रह्मांड का रचयिता है, इस ब्रह्मांड का प्रकाशयिता है, इस ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, इस ब्रह्मांड का साक्षी है, मैं वह आत्मा हूं जो शरीर के अंदर और बाहर सर्वत्र होता हो क्रियाकलाप का साक्षीभूत हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, न मैं इस शरीर में हूं न मैं इस शरीर का हूं, किंतु यह शरीर भूतों का कार्य होने से यह शरीर भूतों का है मेरा नहीं है, अतः मैं नहीं हूं यह भूतों का कार्य से भूत ही है ये, और मैं इनमें नहीं हूं और ये वास्तव में मुझ में भी नहीं है, भ्रांति वशा दिखाई दे रहे हैं, यह चिंतन रोज करना पड़ेगा, चाहे योग निद्रा में करो चाहे वैसे बैठ के करो कुर्सी में बैठ के करो चाहे धूप में लेटे लेटे करो, लेकिन करना पड़ेगा तभी धीरे धीरे स्थिति में पहुंचेंगे, और नहीं करेंगे तो थोड़े कुछ होने वाला, आलसी बन के सोते रहेंगे तो वो तमोगुणी हो जाएगा आदमी, तमोगुणी शरीर मिलेगा अगले बार स्वर बनना पड़ जाएगा, आदमी सतर्क रहना पड़ेगा इस विषय में, सिर्फ जान के कह रहे हैं कि वो कृपण हो जाएगा, वह वास्तव कृपण है और आगे और महाकृपण हो जाएगा। भाषण तत्कथन तर्क द्वारा अद्वित स्थिति कैसे होगी, अद्वित प्रकरण आरभ दे, उसके लिए अद्वित प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। उपास्य उपासनादि भेद जातम सर्वम विथतम केवलाश्च आत्माद्वय परमार्थ इति स्थितम अदिते प्रकरणे, उपास्य उपासना आदि भेद समूह सब कुछ मिथ्या है, केवलाश्च आत्माद्वय, केवल आत्मा अद्वैत है परमार्थ है, यह अतीत प्रकरण पूर्व प्रकरण में हमने निर्णय कर दिया है, यतः जिसलिए उपासना आश्रितम, अब इस कारिका का पहला शब्द ले लिया उपासना आश्रित, उपासनम उपासना क्या चीज है पहले बताओ,
तब तो उसमें आश्रित को समझो। उपासना क्या है? आत्मनो मोक्ष साधन गधा, उपासक हम मम उपास्यम ब्रह्म। मैंने ऐसा मान रहा है ये आत्मना मोक्ष साधनत्व गधा, उपासक हम, मैं जीवात्मा हूं, मोक्ष साधनत्व मैं उपासना को प्राप्त किया हुआ हूं, अति उपासना करने वाला मैं एक उपासक हूं। उपासना को आत्मा की मुक्ति की साधन रूप से मानने वाला है वो। आत्मनो मोक्ष साधनत्व उपासना गता, मैंने स्वीकृत। उपासना को क्या मान रहा है वो? अपने आप का मोक्ष साधन मान बैठा है। अतः क्या निर्णय ले लिया? उपासक हम, ऐसे निर्णय ले लिया मैं उपासक हूं। और ये जो ब्रह्म क्या है? मम उपास्यम ब्रह्म, यह जो ब्रह्म है मेरा उपास, मैं उपासक हूं। और मुझ उपासक के मोक्ष का साधन क्या है? यह उपास्य तो ब्रह्म की उपासना, ऐसा निर्णय वाला है। तद उपासन कृत्वा, और क्या सोच रहा है वो? इसलिए मैं उस ब्रह्म की उपासना करके क्या हो जाऊंगा? जाते ब्रह्मणिदानिम वर्तमान हो, जिस समय कार्य ब्रह्म में जो विद्यमान हूं मैं, वास्तव में अजम ब्रह्म सर्वपात दूर्दम प्रतिपत्ति से, मैं शरीर के मरने के बाद उत्तर क्षण ही उस अज ब्रह्म को प्राप्त कर जाऊंगा, ऐसा मान बैठा है। इसका मतलब यह मान लिया मेरा जन्म हुआ है, यह मान लेना ही कृपणता। आप ब्रह्म है, अजन्मा है, और अजन्मा आप अपने आप को जन्म वाला मान लिया। डेट ऑफ बर्थ याद रखे रहते, मेरा जन्म तारीख यह है, जन्म तिथि तारीख याद रहता है लोगों को। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आवश्यकता के आधार पर बता दे अलग चीज है, लेकिन मनाते हैं ना जन्म दिवस मना लेते, याद रखकर जन्म दिवस मनाते, मरण दिवस मनाते हैं। अरे शरीर का जन्म, शरीर का मरण हुआ ना, आपका जन्म होता है ना आपका मरण होता है। अपने ही जन्म, अपना आत्मा का ही जन्म मान लिया इसने, इसलिए इसको कृपण कहेंगे। क्योंकि इतना तो मान ले रहा है, लेकिन बेचारा प्रागुत्पत्तिश्च अजम इदम सर्वम अहम च, देखो माना क्या उसने? उत्पत्ति से पहले मैं भी अज था, और ये सब भी क्या थे? अज ही थे। प्रागुत्पत्तिश्च अजम इदम सर्वम अहम च, उत्पत्ति से पहले यह सब अज ब्रह्म ही था, मैं भी ब्रह्म ही था। यदात्मको अहम प्रागुत्पत्तेर, जिस रूप वाला मैं उत्पत्ति से पहले था वह स्वरूप बिगड़ गया, और अब क्या हो गया? इदानिम जातो, इस समय में पैदा हो गया। जाते ब्रह्मणि च वर्तमान, और कार्य ब्रह्म में मैं, कार्य ब्रह्म क्या? यह समष्टि, उसके अंदर एक व्यष्टि के रूप में, जीव रूप में मैं छोटा सा जीव बन के रह रहा हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उपासना पुनः तदेव प्रतिपत्ति से, उपासना के द्वारा पहले मैं अपनी व्यष्टि भाव से ऊपर उठ करके समष्टि भाव में पहुंचूंगा, और समष्टि भाव से ऊपर उठ करके निर्गुण निराकार निरक्षण निष्क निर्व निष्क्रिय अज ब्रह्म रूप को मैं प्राप्त कर जाऊंगा। इत्येवं उपासना श्रतो, इस प्रकार से जो सोच समझ कर व्यवहार कर रहा है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उपासना आश्रित। एक शब्द की इतनी लंबी व्याख्या कर ली, ऐसे को कहा जाता है उपासना आश्रित। क्या है वो? धर्म, धर्म, धर्म ने सनातन धर्म नहीं, साधक का, ये साधक जो जीव है उसको धर्म शब्द से कह रहे हैं। देह से धारणात् धर्म जीव साधक, येन एवं क्षुद्र ब्रह्म वित्तेन असौ कारणेन कृपणो दीनो, जिसने इस प्रकार से है वो, एवं क्षुद्र ब्रह्म वित्तेन, क्षुद्र मने काल परिच्छिन्न ब्रह्म, क्षुद्र ब्रह्म वित्त, क्षुद्र ब्रह्म वित्त है वो। क्षुद्र ब्रह्म वित्त का मतलब क्या? कार्य ब्रह्म, जन्म लिया हुआ ब्रह्म, काल से परिच्छिन्न ब्रह्म को जानने वाला है तेना, इसलिए असौ कारणेन, इसी कारण के वजह से,
तेना कारण इस कारण से असौ उस साधक को उस धर्म को उस उपासन जीव को क्या कहा गया कृपणो कृपण कह दिया। कहा बृहदारण्यक पढ़ लेना 3, 8, 10 बृहदारण्यक में कृपण का मतलब क्या दीन अल्पक स्मृत वह दीन है वह अल्पक है ऐसा श्रुति स्मृतियों में स्मरण किया गया है। नित्य अज ब्रह्मदर्शी वृत्ति अभिप्राय किनके द्वारा ऐसा स्मृत है तो नित्य ब्रह्म और अजरूपी जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के दर्शी तत्वताओं के द्वारा ऐसा स्मृत है यह इसका अभिप्राय है। और अज्ञान इस क्यों मान रहा है कार्य ब्रह्म के द्वारा मैं कारण ब्रह्म को प्राप्त करूंगा और तद्वारा शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ऐसा चिंतन क्यों करता है क्योंकि तत्कृतु न्याय है ये तत्कृतु न्याय दिया है 7 नंबर टिप्पण अथ खलु कृतुमयः पुरुष यथा कृतुरस्मिन् लोके पुरुष होती तथा इत प्रेत्य भवती स कृतुं कुर्वीत इति छांदोग्य श्रुति कृत शब्दार्थश्चय अध्यवसाय कृत शब्द का अर्थ यहां पर अध्यवसाय है निश्चय है। आदमी जिस प्रकार का निश्चय वाला होता है वह मरणोत्तर काल में उसे अपने निश्चय के अनुसार इस लोक में जिस प्रकार का निश्चय वाला पुरुष होता है मरणोत्तर काल में उसी प्रकार निश्चय के अनुरूप ही फल को वह प्राप्त करता है। अतएव व्यक्ति को निश्चित रूपेण किसी विषय को दृढ़ता निश्चय पूर्वक धारण कर लेना चाहिए ऐसा स्पष्ट ही कहा हुआ है। इसको तत्कृत न्याय कहते हैं स्मृति भी है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम गीता में इस प्रकार से 7 नंबर टिप्पण में स्पष्ट समझा दिया। और केनोपनिषद कार ने तो स्पष्ट ही बोल दिया भाष्यकार कहते केनोपनिषद का मंत्र दे रहे देखो यद्वाचान अभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नीदं विधिम उपासते इत्य श्रुते है तलवकाराणां तलवकारीय शाखा के केनोपनिषद में उपास्य ब्रह्मत्व निषेध देखने को मिलता है। उपास्य के अंदर ब्रह्मत्व का निषेध करते जो उपास्य वो ब्रह्म हो नहीं सकता जो इदम है वो उपास्य होता है आपसे भिन्न जो इदम है उपास्य है आप ब्रह्मा जी पर सब कुछ उपास्य है ना वो सब कुछ इदम कोटि में आ गया और वो कभी ब्रह्म नहीं होता इदम है वह ब्रह्म नहीं है इदम तो ब्रह्म एक भ्रांति है ऐसे सर्प रज्जु नहीं है सर्प रज्जु में एक भ्रांति दर्शन मात्र है इदम उस ब्रह्म में एक भ्रांति दर्शन मात्र है इदम कभी ब्रह्म हो नहीं सकता। तब आप कहेंगे सर्व खलिदम ब्रह्म कैसे कह दिया कहते इसलिए आगे तो पढ़ो आधे मत पढ़ो मुल्ला जैसे सर्व खलिदम ब्रह्म तलानी शांत उपासित मुल्ले लोग तो आगे पढ़ते हैं और बेकूफ बनाते हैं वहां पंक्ति में थोड़ी तो वहां पंक्ति सर्व खलिदम ब्रह्म भी नहीं है उसको समझाने के लिए कह रहा उसको समझाने के लिए कहना पड़ता है अधूरा पढ़ करके आदि भ्रांति पड़ा रहता है हर जगह सर्वगलम ब्रह्म बोलते रहते हैं लोग। अरे आगे तो पढ़ो वो तो उपासना के लिए परमार्थ कथन थोड़ी है हाँ तो तुम अशी बोलो पारमार्थिक कथन है हम ब्रह्मासी बोलो पारमार्थिक कथन है मंत्र में आगे तजलान की शांत उपासी उसको क्यों नहीं पढ़ते हो तजलान का मतलब क्या तज तदना तदल मैंने उसी से पैदा हुआ है उसी में स्थित है प्राण क्रिया कर रहा है उसी में लय हो जाता है मैंने भ्रांति है वो जैसे सर्प रज्जु में पैदा हुआ रज्जु में स्थित है रज्जु में लय हो जाता है रज्जु से भिन्न कुछ नहीं है उसी प्रकार सारा जगत इस ब्रह्म में है ऐसा सुमंत्रकार इति शांत उपासित ऐसा शांत चित्त अगर उपासना करो ताकि जगत से तुमको वैराग्य हो जाए जगत में मिथ्यात्व निश्चय निश्चय हो सके। वो अधूरा पढ़ लेते हैं सब गड़बड़ करते हैं। अब यहाँ क्या ना जान के भाष्यकार पूरा मंत्र दे रहे हैं यहाँ अधूरा नहीं दे रहे हैं जान करके कि ऐसे जगह में वो जरूरी है नहीं तो बोल देते यदवाच इत्यादि श्रुते है लेकिन यहाँ पूरा ही दे रहे हैं भाष्यकार केनो प्रषद प्रथम खंड पंचम मंत्र को दिया अनेक पर्यायों में है वहाँ चक्षु वगैरह भी है मन भी है श्रोत्र भी है सब है ना अनेक पर्यायों में है ये यद्वाचा अनभ्युदितम
जो ब्रह्म वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता, किंतु ये न वाग अभ्युद्यत है, जिसकी सत्ता के कारण से, जिसकी चेतनता के कारण से यह वाणी बोलने की सामर्थ्य वाली हो जाती है, ऐसा वह तत्व को ब्रह्म करके जानो। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि न इदम, इसे नहीं, यत इदम उपासते, जिसको तुम इदंतया स्वभिन्नत्वेन उपासत्वेन ग्रहण करके उपासना कर रहे हो, जान रहे हो, उसको ब्रह्म करके कभी नहीं समझना। इत्याय श्रुत है तलवकाराणाम, इत्याय तलवकारी श्रुति स्पष्ट आदि शब्द है ना, यन मनसार मनुते एनम मनो, है ना, इस सारी अन्य जो पर्याय कहा गया चक्षु को श्रोत्र को सबको ले लेना आदि से। इत्याय श्रुते है कार्पण्यम भेदो द्वैतम इति यावत्, इसलिए कृपणता क्या है, भेद बुद्धि का नाम ही कृपणता है, भेद बुद्धि का नाम ही कृपणता, द्वैत दर्शन का नाम ही कृपणता, कार्य कारण भाव को चिंतन करना ही का नाम कृपणता, ये समझ लेना चाहिए। और तद अभाव का नाम अकार्पण्यम, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, गीता में भी कहा द्वैत दर्शन ही सबसे बड़ा दोष है, उसे क्या हो जाता है, आपका अपना स्वरूप ढक गया, उपहत स्वभाव हो जाता है, भेद बुद्धि द्वैत बुद्धि कार्यता बुद्धि क्षुद्रता बुद्धि इदंता बुद्धि अहम मम इदम बुद्धि जो होती है यही कृपणता है, मैंने अपने निज स्वरूप जो सर्वव्यापक है उसमें क्षुद्रता की कल्पना कर लिया और कल्पित क्षुद्रता को सत्य मान लेना और भयंकर कृपणता, उसे कल्पना करना ही कृपणता है और कल्पित वस्तु सत्यता मान लेना तो घोर कृपणता हो गया। जैसे सेठ की कहानी, नोट ही रो रहा है, बताया है ना, नोट रोने वाली कहानी, वैसी कृपणता हो गई है।